ओ भाई, यो यहाँ पे हमारा तेल हो गया गरम। मैं बनाने लगा था अभी पकोड़े, तो बस करने लगे हैं शुरू। आपको भी दिखाते हैं, बिल्कुल सादा वाले पकोड़े हैं। नमक हल्दी मिर्च सिर्फ इसमें मैंने डाला है बेसन में, और तो बिल्कुल बमुश्किल कोई एक पाव पकोड़े होंगे। अब क्या किया जाए, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ तो अच्छा है। चमचा छोटा है। ये बड़ी अच्छी सी दूध पत्ती हमने पहले ही तैयार कर ली थी, तो बस यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये आज की कुछ तारीख, अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरी तरफ से नया ब्लॉग शुरू किया है मैंने। तो अभी रात का टाइम हुआ है काफ़ी, अभी तो 8:30-9 बजे का टाइम है। तो अभी थोड़ी सी बारिश शुरू हुई थी, अंदर कमरों में हवा है, रात की बारिश लिखी हुई है, ऊपर काफ़ी सारे बादल आ गए। मैंने देखा था अभी कोई 12 बजे तक की बारिश, उन्होंने मौसमी सूरत हाल बताई है, 12 बजे तेज़ बारिश शुरू होगी। पिछले 2 दिन जो है ना, सुबह सुबह बड़ी तेज़ बारिश हुई है। इधर रावलपिंडी रीजन है ना मेरा, चकलाला का, तो अब पकड़ते हैं इसको चिमटे से, थोड़ी सी साइड चेंज करते हैं। ठीक हो गया, तो पहला पकौड़ा हमारा तैयार हो गया। इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जल गया, नहीं ठीक ही होता है ज़्यादा, ज़रा सा ना, ये तो बिल्कुल हल्का सा हो गया शायद, इसमें वो आलू प्याज नहीं ना डाले इसलिए हल्का। मेरा ख्याल है पूरा बर्तन ही उठा के ना बीच में डाला जाए, क्योंकि चमचा छोटा है। तो आज है 10 अगस्त, तो झंडा मैंने अपना तैयार कर लिया 14 अगस्त के लिए, बस हैंग करना है ऊपर छत पे। से ऊपर अपना झंडा मैंने तैयार कर लिया, झंडे के ऊपर वाला थोड़ा सा सुराख ओपन हो गया था, जहाँ पे झंडे का बांस गुजर रहा होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा झंडे में सुराख हो गया था बांस गुजरने वाली जगह से, जैसे वो चलवार के नाले एक जगह होती है ना, तो उस तरह। तो वो मैंने थोड़ी सी सिलाई की है ऊपर से, नीचे से भी मजबूत से बांध दिया है। तो बांस पिछली दफ़ा मुझे याद है मैंने झंडा लगाया था, तो बांस ना बारिशें हुई थी 2-3, उसके साथ फिर धूप लगी है, तेज़ हवा चली है, बांस गीला होने के बाद टूट गया था बहुत ज़्यादा ना। तो पीने के लिए पानी भी मैंने उबालने के लिए साथ ही ऊपर रख दिया, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी किचन में, तो बस कोई भी खुदा बेहतरी कर देगा। 12 बजे बारिश है, हो जाएगी बारिश, तो बस इसको काफ़ी देर से पड़ा है। तो ये देखें, बर्तन खाली मैंने कर लिया सारा का सारा, यहाँ पे आखिरी सिस्टम आ गया। तो हमारे बन गए जी टोटल कह लो कि 3 पकौड़े। चाय रखते हैं, गरम करते हैं, हमारे होगा 3 पकोड़े बड़े बड़े हैं, तो बस काम चल जाएगा। थोड़ा ही है, मैं अकेला ही हूँ खाने वाला। तो मौसम की सूरत है अभी कुछ रावलपिंडी की बता दो, 2 दिन पहले जो सुबह सुबह बारिश हुई थी ना, 2.5 घंटे वो इतनी को हैवी बारिश हुई थी, 5:30 बजे शुरू हुई थी, तो वो करीबन ख़त्म हुई थी कुछ अगले 2.5 घंटों के बाद। तो इतनी मज़ेदार वो बारिश थी, सीज़न की सबसे ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा हैवी बारिश थी। उसने रावलपिंडी के कटारियाँ एरिया में पानी निकल आया था नाला लई से, और लोगों के घरों में घुस आया था, और सैदपुर रोड की तरफ पानी निकल आया था, और था कुछ ऐसे 2-1 और इलाके थे। तो हमारे इस तरफ नहीं निकलता, हमारे यहाँ पे नाला लई काफ़ी चौड़ी है और साफ सफाई करके रखते हैं, उस तरफ से नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो है, और जनाब गहरी करती है, फौज करवाती है स्पेशली। और उसके अलावा जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं मेन वासादारा,
वासा वाले जो है वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट वो करवाते हैं स्पेशली, पर लेकिन फिर भी थोड़ी सी ना कुछ हो जाती है आजकल। फ्लैश फ्लडिंग है, फ्लैश फ्लडिंग कहते हैं, फॉरन फॉरन बारिश इतनी स्पीड से आती है कि जैसे दुबई का हाल हुआ था, इतनी स्पीड में आती है कि दिनों की बारिश जो है ना चंद घंटों में हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ की जाए बड़ी। नाला लई, हाँ मैं पीछे से सियालकोट का हूँ ना, तो नाला लई नहीं, नाला लई तो रावलपिंडी का, नाला डेक और एक वो निकल आई हुई थी अभी कल की खबर कामे में था। वो काफ़ी सारा इंडिया ने पानी छोड़ा है वहाँ पे भी, ऊपर शमाली इलाका जब सियालकोट से ऊपर हुआ है ना कश्मीर है और इंडिया का इलाका है, तो वहाँ से वो पानी खोलते हैं तो बस फिर नाला एक और डेक में पानी आ जाता है। मुझे अभी याद आया हम काफ़ी मछलियाँ पकड़ने जाते थे, तो जो लड़के होते थे ना जो अपना जिनको अपना चलो थोड़ी समझ होती थी वो बेचारे डूब के मरते थे उधर, बहुत बहुत खतरनाक उधर नाला डेक एक और पलखू। पलखू जो था ना मेरे उधर कोटली बहराम के करीब था, सबसे सियालकोट टू कोटली बहराम, वो हर साल ना एक जान लेता था। उसने हमारे वहाँ के आसपास के फैमिलीज के बड़े पढ़े लिखे फैमिलीज के दो एक लड़के उन्होंने वहाँ पे लिए थे, क्योंकि बहुत तेज नाला पलखू जो है ना वो उधर उस तरफ अपना फौज भी बैठी हुई है, तो पानी इतना ज़्यादा आता था। मैं कभी अपने स्कूल टाइम की बात करूँ, अभी तो मेरी 42-43 की एज है, तो जब मैं कभी 15-16 साल का था तब की बात करूँगा, अभी भी पलखू बड़ी तेज़ चलता है और बहुत ज़बरदस्त, और मछली उधर बड़ी आती है, इतनी बरकत है कि लड़के उधर जाते हैं ढेरों मछलियाँ लाते हैं, बस 20-20 किलो के हिसाब से, 25-25 किलो के हिसाब से। अब मुझे लग रहा बातों बातों में जला लिया मैंने अपना, नहीं ठीक बच गया। चाहे मैं भी बॉयल आ गया, अभी रात हो गई थी तो मैं सोच रहा था कि अभी झंडा नहीं लगाऊंगा, झंडा मैं लगाऊंगा फिर सुबह के टाइम, तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के हम पढ़े हुए हैं सियालकोट के, तो उन्होंने टीचर्स हमारे बड़े काबिल थे, उन्होंने मैं बताया था कि झंडा जो है ना शाम को उतार लिया जाता है और सुबह सुबह फिर से हवा में लहरा दिया जाता है। तो घरों में तो वैसे आम हालत में सुबह दोपहर शाम रात को भी झंडा चलता रहता है, ये 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आज़ादी डे की अपना खुशी के लिए, तो ये 77वां आज़ादी डे है हमारा, तो बस पाकिस्तान को अल्लाह बड़ी बरकत दे। तो ये है कि दरअसल असली कानून जो होता है ना शाम को झंडा उतार लिया जाए सुबह सुबह फिर लहरा दिया जाए, ये कौमी अदारे जो होते हैं ना हमारे उनके लिए पाबंदी होती है, तो एक कानून है, एक इज़्ज़त देने का तरीका है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है मुझे YouTube पे कामयाब करते, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर और कमेंट्स और सब कुछ। ओके बाय, अल्लाह आपको हर किस्म की नेमत अता फरमाए, खुदा हाफिज़। 12 बजे का भी टाइम हो गया, बारिश शुरू है, बड़ी प्यारी अल्लाह का शुक्र है ठंडी बारिश है और ठंडी हवा शुरू हो गई है। बाहर का व्यू देखते हैं, बाहर बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे जो काफ़ी सारे हैं ना वो जनाब मौज उड़ा रहे हैं, बड़ी तेज़ बारिश है। ये गड़ा जो है ना मैंने भरा था, तेज़ पानी की वजह से जो है ना फिर से वो ना खुल गया, वो बहा ले गई है, मिट्टी थी और बजरी पत्थर था। बड़ी अच्छी बारिश है,
वो कोने पे शुआरमे वाला है, अभी तक बैठा हुआ है, रात 12 बजे तक बैठता है, 12:30 बजे तक। तो मेनली जो बात थी ना, वो ये गड़ा मैंने भरा था सुबह सुबह, जो बच्चे स्कूल आते जाते हैं ना, और हमारे भी घर वाले आते जाते हैं, नौकरियों पर निकलते हैं, वो फिर ये होता है कि गाड़ियाँ गुजरती हैं, छींटे पड़ती हैं, ये गड़ा गड़े में पानी होता है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी आसमान की सूरत हाल उधर है, बिजली ऊपर चमक रही है, काफ़ी सारा बादल आया है।